पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अवैध तरीके से धन जुटाने के मामले में 300 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली के लिए समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया और उसके निदेशकों की कुल 381 संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। पुणे में समृद्ध जीवन के पीड़ित खाते धारकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी निवेशकों की अपनी राशि मिलने की उम्मीद दी गई। राज्य सरकार ने महेश मोत्रवार की कई संपत्तियों पर कब्जा किया है, उसे बेचकर कुछ हिस्से तक की रकम निवेशकों को लौटाई जाएगी, ऐसा प्रवीण भेंटेकर ने कहा है। सेबी ने जारी एक आदेश में कहा कि समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया की जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें कृषि जमीन तथा दफ्तर की जगह शामिल है। ये संपत्ति महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, गुजरात, गोवा, राजस्थान और कर्नाटक में है। नियामक ने इकाइयों की संपत्ति को बेचने, उसके हस्तांतरण आदि पर रोक लगा दी है। इससे पहले नियामक ने अगस्त में कंपनी और उसके निदेशकों को महेश किसान मुत्तेवार, वैशाली महेश मुत्तेवार तथा राजेंद्र पांडुरंग भंडारे के बैंक और डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खातों को जब्त किया गया था। निवेशकों को 301 करोड़ रुपया बकाया लौटाने में विफल रहने के बाद इकाइयों के खिलाफ वसूली कार्रवाई शुरू की गई है। मामला कंपनी द्वारा सामूहिक निवेश योजना के तहत विभिन्न निवेशकों से जुटाए गए कोष से जुड़ा है। इसमें सामूहिक निवेश योजना नियम का उल्लंघन किया गया है। पुणे के बालेवाड़ी परिसर में समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया चिटफंड से बाधित निवेशकों की बैठक का आयोजन किया गया। हजारों निवेशकों के पैसे लौटाए जाने के लिए प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से प्रयास शुरू है। योग्य कानूनी कार्रवाई से निवेशकों के पैसे जल्द लौटाने की एक उम्मीद निवेशकों को दी गई है। MPID कानून के तहत सेबी ने कार्रवाई कर जो मलमत्ता जब्त की गई है उसको बेचकर कुछ हिस्से की रकम निवेशकों को लौटाई जाएगी। इस न्यायालयों की प्रक्रिया को विशेष रूप से विशेष कोर्ट में चलाया जाएगा। जैसे कोर्ट मुझे छोड़ता है मैं बाहर आऊंगा। हम लोगों ने बोला कि आपको कोर्ट ने किस लिए अंदर डाला है, ये पहला हमें रीजन दो। तब उन्होंने हमें बताया कि अलग मैटर में मुझे अंदर डाला है, मेरा कोई इरादा नहीं है लोगों का पैसा देने का, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी लोगों का पैसा दूंगा। सर बोला आप जल्दी से जल्दी, यानी कितना जल्दी से जल्दी होता है? तो उन्होंने 2 दिन बोला, फिर 4 दिन बोला, फिर 8 दिन बोला, फिर बोले डेट के ऊपर डेट देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या किया, उनके मैनेजमेंट के साथ बोलना शुरू कर दिया कि CMD सर का आने का कोई चार्जेस नहीं लगता और लोगों का पैसा तो देना जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने घर घर जाके पैसा लाया है, आप सबको पैसा देना ही पड़ेगा। क्योंकि कंपनी से पहले हम लोगों ने हमारे गारंटी दी है कि हम ही लोग आपको पैसा निकाल के देंगे करके बिक्री के आदेश दे देंगे। आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। उसके बाद जल्दी से जल्दी जैसे ही प्रॉपर्टी की बिक्री पूरी हो जाएगी आप सबको पैसे मिल जाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। VSRS न्यूज पुणे।